वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस काफ़ी बार पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस है, ये इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको बताऊँगा। ये एक शायद आपने बुक में नहीं पढ़े होंगे। फर्स्ट है सेल टाइप। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और वायरस जो है ना प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट है, इसको ए सेलुलर बोलते हैं। नंबर ऑफ सेल, सिंगल सेल होते हैं, इसमें कोई सेल नहीं है। साइज़ लार्जर देन वायरस, इसका मन्यूट साइज़ होता है, यानी वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है। माइक्रोस्कोपी, बैक्टीरिया हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में विजुलाइज कर सकते हैं, बट इसको हम ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। शेप, बैक्टीरिया के काफ़ी शेप्स हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, आपके विब्रो हो गए, रॉड शेप हो गए, बैसिलस, ये सारे कोमा शेप, ये सारे बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स हैं, और इसमें काफ़ी अलग तरह के शेप्स मिलते हैं, जैसे पॉलीहीड्रल, रॉड शेप, हेलिकल शेप, कैप्स्यूल। जैसे बैक्टीरियोफाज हैव कम्प्लेक्स शेप, कईयों का कम्प्लेक्स शेप भी है। सेलुलर मशीनरी, प्रोसेस से सेलुलर मशीनरी इसकी होती है, इसकी अपनी सेलुलर मशीनरी नहीं होती, ये सिर्फ ओनली होस्ट में वायरस जाके एक्टिव होता है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोस्टली इंटर सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सेल के बीच में रहते हैं, दो सेल के, जो सेल के स्पेस में, ये सेल के अंदर भी रहते हैं। तो जो वायरस होता है मोस्टली सेल के अंदर ही रहता है, डैट इज़ इंट्रा सेलुलर, यानी होस्ट के अंदर जाके उसके डीएनए से मल्टीप्लाई करता है। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल इसमें एबसेंट होती हैं, सिर्फ सेल वॉल ही होती है, इसमें जेनेटिक मटीरियल है, कैप्सूल है, और बाकी इसमें कोई आपको ऑर्गेनेल नहीं मिलेगी। इसके आगे दोस्तों सेल वॉल की बात करूं, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और वायरस में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्रोटीन कोड होती है। सेल मेम्ब्रेन इसमें होती है, स्टीरोल नहीं होता है इसमें, सिर्फ माइकोप्लाज्मा में कोलेस्ट्रोल होता है, और इसमें आपको इनवेल्प है ये, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, फंक्शनल डी एन ए आर एन ए होता है। जीनोम, डी एन ए और आर एन ए, इसमें डी एन ए भी आर एन ए भी है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए फ्रीली साइटोप्लाज्म में होता है, और इसमें जो डीएनए है जो आरएनए है उसके अराउंड कैप्सूल बनाता है, प्रोटीन का हार्ड मैसेंजर आरएनए, इसमें मोनो से पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है बैक्टीरिया में, और इसमें ज़्यादातर पॉलीसिस्ट्रॉनिक ही होता है। सेल ऑर्गेनली, बैक्टीरिया में कोई सेल ऑर्गेनली नहीं होती, वायरस में सेल ऑर्गेनली बिल्कुल ही नहीं होती, और ये होस्ट की ऑर्गेनली का यूज़ करता है। राइबोसोम जो है 70S है, इसमें कोई राइबोसोम नहीं होता है। लिविंग एट्रीब्यूट, इसको लिविंग कहते हैं, और ये लिविंग और नॉन लिविंग में कन्फ्यूज़न है, ना तो ये लिविंग में आता है ना नॉन लिविंग में, दोनों के करेक्टर्स में आते हैं। रेप्लिकेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन से करता है, और डीएनए कंटिन्यूसली रेप्लिकेट करता है, और ये पहले होस्ट को वायरस करेगा इन्वेड, उसके अंदर उसके डीएनए से कंबाइन करके नंबर ऑफ कॉपी बनाएगा, डैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद आता है नीड ऑफ होस्ट। बैक्टीरिया को होस्ट की नीड नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट ही रह सकते हैं, वायरस होस्ट के बिना एक्टिव नहीं होता है। अदर फॉर्म, इसमें स्पोरुलेटिंग फॉर्म भी हैं जो स्पोर बनाते हैं, और इसमें अदर भी हैं जैसे बायरॉइड एंड प्रायोन, ये आगे वायरस के टाइप हैं। सेल इन्फेक्टेड एनिमल, प्लांट, फंगाई, और ये सभी को कर देता है। इन्फेक्शन लोकलाइज होता है, इसका इन्फेक्शन सिस्टमेटिक होता है, पूरी बॉडी को चला जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ फीवर, बैक्टीरिया जो है फीवर करता है, इलनेस नोट्रियोस्कली कॉज फीवर, इसमें इन्फेक्शन होता है, मे और नोट भी फीवर, यानी वायरल में फीवर हो भी सकता है, नहीं भी होता, बट बैक्टीरिया में फीवर होता ही है। इलनेस इसमें बैक्टीरिया की 10 या 12 दिन तक होती है, और इसका 2 से 10 दिन तक होता है। डिजीज इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्राइटिस, मैगनाइटिस, न्यूमोनिया और प्रॉब्लम्स हैं, और वायरस में आपको एड्स मिल जाएगा, कोल्ड होगा, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, ये सारे वायरस में है। और इसमें ससेप्टिबिलिटी टू एंटीबायोटिक, मोस्टली ससेप्टिबल है, वायरस नहीं होते, कोई रिस्पांस नहीं करते। ट्रीटमेंट इसका होता है, एंटीबायोटिक से कर सकते हैं बैक्टीरिया का, इसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेनिफिशियल यूज़। बैक्टीरिया के काफ़ी फ़ायदे भी हैं, जैसे आपको प्रोबायोटिक आता है, कर्ड बनाने में, चीज़ बनाने में यूज़ होता है, वायरस का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। बट ए पर्टिकुलर वायरस मे नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय द ब्रेन ट्यूमर, वायरस कैन यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, इकोलाई, साल्मोनेला, लिस्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये बैक्टीरिया हैं।
वायरस में आपको HIV, हेपेटाइटिस वायरस, रिनो वायरस, इबोला वायरस, बोर्सेला जोस्टर। तो फ्रेंड्स, ये था डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो समझिए समझने के लिए, और अच्छा लगेगा मुझे उम्मीद आपको। और मेरी डिस्कशन आप इतना रिस्पॉन्स कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए ताकि आगे मैं वीडियो बनाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि स्टूडेंट तक ये पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल नेम्ड एज डेडिकेटेड टू साइंस फॉर फ्यूचर वीडियोज़।